तो हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो गिव अवे लाने वाला हूँ अगले वीक, क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा जिसमें जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसको गिव अवे का विनर चुना जाएगा और उसको मिलेगा पेटीएम कैश। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। जैसा कि आप पढ़ रहे हो कि पीटीटी सेकेंड काउंसलिंग में किस किस का हो सकता है और आर्ट्स और साइंस में कितने नंबर पर हो सकता है आपका सिलेक्शन, 100% सही जानकारी मिलेगी आपको। पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आई थी, लोगों ने कहा था कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, इतने नंबर कम आए फिर भी सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट लिस्ट में आपने जैसा बोला कि ऐसा हमने किया तो हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीटी की सेकेंड काउंसलिंग किस किस का हो सकता है सिलेक्शन। तो मैं बता दूँ, पीटीटी में जो सेकेंड काउंसलिंग है उसमें जिस आर्ट्स में बात करें, आर्ट्स की बात करें और साइंस की भी अलग बात करेंगे, आर्ट्स की पहले बात करेंगे तो पहले वेबसाइट पे जाकर बात करते हैं। तो हम आ गए हैं पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे और मैं आपको कह रहा था कि जो किन किन का सिलेक्शन होगा आर्ट्स और साइंस में। हम आर्ट्स की बात करें, सबसे पहले आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स में जिस बंदे के 250 से ऊपर आए उनको सेकेंड काउंसलिंग में 100% नंबर आएगा, क्योंकि जिस बार पिछली बार मैंने बोला था कि आर्ट्स जो कॉलेज अलॉटमेंट हुई है वो सिर्फ अगर बात करें 2 साल में तो 25% हुई है, और अगर 4 साल की बात करें तो उसमें केवल 30% हुई है। तो अभी तो बहुत सीट खाली है, और साथ ही अब्बन वुमेन जिनको कॉलेज नहीं लेनी उन्होंने भी अप्लाई कर दिया है कि उनको कॉलेज नहीं चाहिए, और उन्होंने मना कर दिया फ़ोन करके कि हम कॉलेज नहीं चाहिए, तो उनकी भी सीट खाली हो चुकी है। तो फिर अब बात करते हैं कि 800 से 250 से ऊपर साइंस की बात करते हैं, जिसके 300 से प्लस है उन जिनको कॉलेज नहीं मिली तो उनको 100% श्योर के साथ कॉलेज मिल सकती है। तो बने रहिए चैनल के अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो की नोटिस मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।